अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। इस मौके पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। बच्चू पांडे यहाँ क्या कर रहा? गेस्ट लिस्ट में का नाम तो नहीं था ना? एक्चुअली वो उनकी मिसेज ना मुझे मंदिर में मिल गई थी, तो मैंने सोचा वो दूसरी औरत की बेटी की वजह से आप दोनों की दोस्ती क्यों खराब हो, तो मैंने इनवाइट कर लिया। ये अंग्रेजों की तरह हाथ क्या बढ़ा रहे हो? बचपन का दोस्त हो, गले मिलो। बदला नहीं यार, वैसे ही है। ये लोग तो आ गए पार्टी में, लेकिन जिससे मिलाने के लिए इन्हें बुलाया है वो अभी तक नहीं आए। जरूरी काम कर रही है कि अभी तक नहीं आई। बहुरिया, ये सब तुम्हारी ढिलाई का नतीजा है। दादी। अरे दादी, आप अभी तक यहीं पर हैं? चलिए हम आपको लेने हैं। डैड कब से आपका वेट कर रहे हैं? हम अपनी सालू का इंतजार कर रहे हैं, वो आएगी तब आ जाएंगे। अम्मा जी आप परेशान ना होइए, सालू आ जाएगी। अरे तुम दोनों का हमारे कपार पे खड़े रहोगे? जाओ, हमको रास्ता मालूम है, हम आ जाएंगे। ठीक है दादी, हम जाते हैं, लेकिन आप आ जाइएगा, सब इंतजार कर रहे हैं आपका। ठीक है, आ जाएंगे। देखो, अगर बहुरिया पार्टी में नहीं जाना चाहती तो कोनो बात नहीं, हम उसे मजबूर नहीं करेंगे, लेकिन हम चाहेंगे तुम सब चलो हमरे साथ। अरे कहा है ना, वो पार्टी में हमरे गुडवा का पैसा लगा है और किसी दूसरे का एहसान लेने थोड़ी ना जा रहे हैं। वैसे भी हम वहां किसी को जानते पहचानते तो है नहीं, चलोगे तो हमको साथ मिल जाएगा ना। तुम लोग दादी के साथ जाना चाहती हो तो जाओ, लेकिन हाँ, दादी के साथ ही रहना। यस। चल अब तैयार हो जाओ तीनों। नहीं नहीं दादी, हम यहीं माँ के साथ रहेंगे, तुम दोनों जाओ। माँ, मुझे नहीं लगता कि वो दूसरी औरत हमारी पार्टी में आने वाली। कोई बात नहीं, प्लान बी की तैयारी करो। ओके मॉम। ओके मॉम। ऐसी चमक धमक वाली पार्टी तो हमने सिर्फ टीवी में देखी थी, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। पनीर की सब्जी, रुमाली रोटी और मीठे में रसगुल्ला, रबड़ी और फ्रूट सैलेड भी, आइसक्रीम, मजा आ जाएगा। पाए लगो अम्मा जी। तेरा नमस्ते करो बेटा। नमस्ते। ये हमारी बेटी है बिंदिया, आज ही गांव से आई है, वो कंप्यूटर सिखाना है ना इसको। भुवन काका, बिंदिया को कंप्यूटर हम सिखा देंगे। क्यों बिंदिया, सीखोगी ना हमसे? अम्मा वो रंजू भौजी और बुलबुलिया और शालू नहीं दिख रही हैं। हाँ, शालू तो काम से बाहर गई है और बुलबुलिया अपनी माँ के साथ अंदर है। मन तो हमारा भी नहीं कर रहा था आने का, पर क्या करें, गुडवा की वजह से आए हैं। अरे भाई, बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया आपने तो। आई हो दादा, इतना भड़कीला पार्टी तो हम पहली बार देखे हैं। गजब मैडम जी। ये भगवान, अब इसका ही आना बाकी रह गया था। ऐसा लगता है जैसे चौक की सारी दुकानों से इसने सामान लेके सिंगार करके आई है। ओहो नंद रानी, आ गई तुम। हैप्पी
वेडिंग एनिवर्सरी मैडम जी। मैडम जी आप बुला और हम ना आए ये तो हो ही नहीं सकता ना। वैसे मैडम जी साड़ी में हम कैसे लग रहे हैं? स्पेशली इस पार्टी के लिए बनवाए हैं हम एकदम हाई क्लास है ना, इसीलिए हमका सब देख देख के ना मुस्किया रहे हैं। आप चीज ही ऐसी है, क्या कर सकते हैं। चलिए पार्टी एंजॉय कीजिए। मैडम जी एंजॉय कैसे करें, हमारी अम्मा हमसे बात नहीं करती। हमने आपसे वादा किया था ना नरेंद्रा ने कि अम्मा जी से माफी दिलवाने की जिम्मेदारी हमारी, हम कर देंगे। मैडम जी एक बात कहें, आपका आप ना आज एकदम लाल लाल टॉप लग रही है। गुड्डू भाई आपका पहली बार देखे होंगे ना तो एकदम चकरा गए होंगे। चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे मॉम डैड ने अपनी शादी के 21 साल पूरे कर लिए। तो गाइस ये जर्नी कैसी रही और ये लव स्टोरी कैसे शुरू हुई, ये सारी बातें ये खुद आपसे शेयर करेंगे। हाँ मॉम एंड डैड प्लीज अपनी लव स्टोरी शेयर कीजिए ना। कम ऑन डैड। हाँ क्या करूं बेटा, हमसे नहीं हो पाएगा। सुना बाबू अनाउंसमेंट हो चुकी है, अब आपको बोलना ही पड़ेगा। आपकी तरह मॉडर्न नहीं है, हम नहीं बोल पाएंगे। आप ही बोल दीजिए ना हमारी लव स्टोरी प्लीज। गाइस गाइस एक छोटी सी करेक्शन, आज मेरे डैड थोड़े से अनकंफर्टेबल, तो इनकी ये लव स्टोरी अब हमारी मॉम ललिता मिश्रा जी सुनाएगी। कम ऑन डैड। हाय, आई होप सबको मेरी आवाज ठीक से सुनाई दे रही है। सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ हमारी शादी की 21वीं सालगिरह की खुशी में यहाँ मौजूद होने के लिए। सच बोलूं तो पता ही नहीं चल रहा कि हमने 21 साल साथ में गुजार दिए हैं। और जहाँ तक हमारी लव स्टोरी की बात है तो हमें अच्छी तरह याद है इसकी शुरुआत पटना कॉलेज में ही हो गई थी। किसी कमाल की बेशरम औरत है, अभी अभी दादी गई है ना वहाँ, उनके सामने अपनी लव स्टोरी सुना रही है। शांत हो जाओ बुलबुल, ऐसी बातें दिल पर ना ही लेते हैं। आई एम श्योर सबको अपनी पहली मुलाकात बहुत अच्छी तरह से याद होती है, पर मुझे दिन और टाइम सब कुछ याद है। आज से 22 साल पहले वो 12 जून मंगलवार का दिन सुबह 7:13:22 पर मैंने गुड्डू जी को देखा था, आपको याद है गुड्डू जी? और हमारा रिश्ता गुड्डू जी की जिंदगी में आए सारे रिश्तों से पहले का है। आप ठीक तो है ना? बस सुई चुप गई। अभी विंडोज और दरवाजे बंद कर देते। याद है आपको जब हम दोनों कॉलेज के कॉरिडोर में टकराए थे और हमारे हाथ से सारी किताबें गिर गई थी? वैसे ललिता बताओगे कि गुड्डू जी ने आपको प्रपोज कैसे किया था? बहुत सही सवाल पूछा है तुमने, इसका जवाब तो मिश्रा जी दे तो ये अच्छा है ना। मिश्रा जी हम क्या बोलेंगे? नहीं नहीं हमसे नहीं होगा। बोले ना गुड्डू जी। कम ऑन डैड। कम ऑन डैड। हाँ यार गुड्डू सुना दे अपने जवान मर्दी के किस्से। अब हम क्या बताएं, हमको तो यकीन भी नहीं होता है कि ऐसा सब कुछ हो गया, लेकिन ये बात सच है कि हमने ही ललिता जी के सामने प्रेम का प्रस्ताव दिया था। अब कैसे हुआ कैसे बताएं। हमारे गुड्डू जी बहुत शर्मीले, बिल्कुल नहीं बदले। चलिए हम ही बता देते हैं, हमें आज भी याद है कि हमारे हॉस्टल में पीछे लगे पाइप पर चोरों की तरह चढ़ के गुड्डू जी बालकनी में लटक के अपने दिल की बात बताए थे। Yeah.
और तुमने इनके प्रपोजल का क्या जवाब दिया? I must say, तुमने नखरे दिखाए होंगे। अरे नहीं नहीं, इन्होंने तो फौरन प्रस्ताव मान लिया था। अगर ना कहा होता तो आज भी वही लटके होते। लटके तो आज भी हो, पहले पाइप पकड़ के लटकते थे और आज भौजाई के पल्लू पकड़ के लटके हो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये 22 साल कैसे निकल गए पता भी नहीं चला। अच्छा, मतलब बकरा खुद ही कसाई के पास कटने के लिए पहुंचा था। काम बदबल का बोली तू? कुछ नहीं दादी। अक्सर देखा जाता है कि लव मैरिज में समय के साथ साथ प्यार का रंग फीका होता जाता है, लेकिन हमारे मिश्रा जी का प्यार का रंग समय के साथ साथ और गहरा होता गया, और हमें पूरा भरोसा है कि जैसे जैसे समय और बीतेगा ये और गहरा होता जाएगा। लेकिन टॉप सीक्रेट ये है कि जितना प्यार मिश्रा जी हमसे करते हैं उससे कई ज्यादा प्यार हम मिश्रा जी से करते हैं, और करे भी क्यों ना, इनके जैसा प्यारा इंसान पूरी दुनिया में नहीं है। किससे तो ऐसे सुना रही है जैसे राज और सिमरन से ट्रेनिंग लेकर आई है। सारी फिल्मी कहानियां झूठी कहीं की। शांत हो जाओ बुलबुल, ऐसी बातों को दिल से नहीं लेते हैं। हमारे मिश्रा जी के बारे में हम क्या कहें, ये खुद से पहले दूसरों का ख्याल बहुत ज्यादा रखते हैं, चाहे फिर वो अपने हो या बेगाने। अभी कुछ ही दिन पहले की बात, हम एक कुश्ती कॉम्पिटिशन में चीफ गेस्ट बन के गए थे। वहां जिस लड़की को प्राइज मिला मिश्रा जी के हाथ से, उसके और उसकी फैमिली के बारे में दूसरे दिन अखबार में कुछ बदनामी वाली खबर छप गई, और उस बेइज्जती के चलते उस गरीब फैमिली को घर से बेघर कर दिया गया। जैसे ही मिश्रा जी को इस बारे में पता चला, बस हमारे मिश्रा जी ने कुछ सोचे समझे बगैर उस गरीब फैमिली को हमारे बंगले में रहने की शरण दे दी। ये चमक चलो पागल हो गए क्या? कुछ भी बोले जा रही है। शांत हो जाओ। अरे माँ, ये क्या कहे जा रही है? अपनी कहानी में हमारा किस्सा क्यों जोड़ रही है? हम गरीब हो सकते हैं लेकिन हम बेगैरत नहीं है। इसे तो हम ऐसा जवाब देंगे ना, आगे से कुछ बोलने लायक नहीं रहेगी। बुलबुल, हमने कहा ना चुप, एकदम चुप। अगर हमने इसकी बकवास अभी नहीं रोकी ना तो पता नहीं आगे और क्या क्या कहेगी। बुलबुल बुलबुल, रुको, कुछ नहीं कहोगी तुम? हमने कहा था तुम्हें पार्टी में आने पर मजबूर कर देंगे, और हमने ये कर दिखाया। अब शुरू होगी असली पार्टी। वेल, हम जिस गरीब और बेघर फैमिली की बात कर रहे थे वो आज यहाँ हमारी हाई क्लास पार्टी में मौजूद है। यही है रंजू और उसकी बेटियां। अगर हमारे मिश्रा जी को इनके ऊपर तरस नहीं आया होता तो आज पता नहीं बेचारों का क्या हाल होता। गुड्डू भी ना होते तो ये लोग सड़क पर आ जाते। सच में बहुत दयालु है गुड्डू मिश्रा जी, इन्होंने अपने घर में बेगानों को जगा दी। अब आप ही बताइए, ऐसे प्यारे इंसान के साथ मोहब्बत कैसे ना हो? माँ, हम अपनी इस चमक छल को ना माँ कुछ नहीं कहोगी तुम? आज भरी महफिल में हम आपसे फिर कहते हैं आई लव यू मिश्रा जी। वैसे रंजू जी आप गरीब हो सकती है लेकिन बदनसीब नहीं, गुड्डू जी की कृपा किस्मत वालों को ही मिलती है। और आज इस खुशी के मौके पर हमारे पास मिश्रा जी के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट भी है। मिश्रा जी, आज 21 साल के बाद
क्या आप फिर से हमसे शादी करेंगे? Will you marry me? हमरा किसका है? अरे भुवन, थैंक यू। हमने पिछले जन्म में बहुत फोन किए होंगे जो हमें आप जैसा पति मिला। माँ, ये हमें अपनी यही रासलीला दिखाने के लिए पार्टी में इनवाइट कर रही थी। मन तो कर रहा है इसको। आज की इस खुशी के अवसर पर हम और एक सरप्राइज देना चाहते हैं। कहते हैं ना, कोई भी घर माँ के आशीर्वाद के बिना कंप्लीट नहीं होता है। आज हमारे मिश्रा जी की अम्मा जी यहाँ खुद मौजूद है हमें आशीर्वाद देने के लिए। आइए ना अम्मा जी। हमें लगता है ये लोग दादी को अपनी टीम में ले लेंगे। ये हमारी अम्मा है, कांति देवी। मॉम डैड के एनिवर्सरी का केक कट होगा, लेकिन उससे पहले थोड़ा नाच गाना हो जाए गाइस। मॉम एंड डैड, एक कपल डांस तो बनता है। ओ डीजे वाले बाबू, जरा गाना बजा दो। रंजीत जी, आप भी यहाँ मौजूद हैं। अपने पति की शादी की सालगिरह में आई हैं। कमाल है भाई, उस दिन तो आप बहुत स्वाभिमानी बन रही थी, आज का हुआ आपके स्वाभिमान को? वहाँ आपका पति
दूसरी औरत के साथ ठुमका लगा रहा है और आप यहाँ खड़ा होकर मजा ले रही हैं? आप बेमतलब की बात कर रही हैं। आज भी हमारा आत्मसम्मान उतना ही है। झूठ काहे बोल रही है? हाँ, अरे हमको तो लगता है कि आप जो है ना ललिता बहन के हाथ अपना स्वाभिमान बेच दी कि पैसा में बहुत ताकत होता है। अब वो आपको अपने घर में रखी हैं, आसरा दी हैं, तो आप भी तो कुछ ना कुछ देती ना। चलो आज के तमाशा से ये तो साफ हो गया है कि दूसरी औरत वो नहीं आप हैं।